Sri Ramchandra Prasad Singh. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ. अभी जयराम रमेश जी बोल रहे थे तो पांच एफ का तो नाम आपने लिया और छठा का भी हमारे रवि जी बोल रहे थे. छठा फियर नहीं है, छठा फेथ है. जो हमारा बेसिक्स है, अपने हिंदुस्तान का जो बेसिक सिस्टम है उसमें भरोसा करिए, उसमें विश्वास करिए. और पूरा का पूरा इंडिकेटर्स इसको आप खुद बता रहे थे वो सब अच्छा है और हमारा देश आगे बढ़ेगा. देखिए एक बात और आई है, ये इस बात को जरा समझने की चीज़ है कि जो आज ये पूरा का पूरा जो टैक्स में जो लाया है इन्होंने, रिडक्शन किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए आज हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है कम से कम दुनिया में सबसे नीचे है. और आप बोल रहे थे कि पहले सिर्फ टैक्स बढ़ाया जाता था, अब सब टैक्स कमा रहे हैं. 1980 के दशक में देखिए आप दुनिया में टैक्स क्या था, एवरेज 38.86, आज कितना है 23.03. 15% का रिडक्शन आया है. तो स्वाभाविक आज हमारे देश में भी जब हम लोग आज 22% पर हैं तो एक अच्छा इंडिकेटर है. हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं. हमारे यहाँ जो भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, और साथ में अभी चाइना की बात हो रही थी, चाइना ही को ले लीजिए, चाइना का 25% है. अमेरिका को ले लीजिए 27% है. अब ब्राज़ील हम लोगों से कम्पीट करता है, उनका भी 34% है. अब फ्रांस में भी चले जाइए, उनका भी 31% है. जर्मनी में देखिए 30% है. तो हम लोगों का जो बेसिक अभी जो ये इन्होंने लिया है इसका आगे चल करके हमको फ़ायदा होगा. और निश्चित रूप से इससे जो हमारा पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होगी, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा. और हम लोगों को हमेशा ज़रा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए. ये सही है कि इससे जो हमारा जो सप्लाई साइड है वो बढ़ेगा, लेकिन डिमांड और कंजम्पशन की जब बात आती है तो टैक्स में भी मैं एक बात रखना चाहूँगा. आप सब जानते हैं कि हम लोग के हिंदुस्तान 1922 में इनकम टैक्स आया, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया. तो हम तो इनकम टैक्स में ट्रेनिंग लेते थे. मुझे बताया गया कि जब ये 1961 में टैक्स बना तो जो यह इतने तरह के बाद में अमेंडमेंट हुए कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसका चेहरा बहुत साफ होता है, लेकिन जब स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं तो तरह तरह के स्कार्स हो जाते हैं. तो 58 साल में इतने इसमें अमेंडमेंट हुए हैं कि वो बिल्कुल ही आप उस 61 के एक्ट को नहीं पहचान सकते. और इसीलिए जो एक कोड बन रहा है, जो डायरेक्ट टैक्स कोड, और जैसा कि खबर आ रही है कि उसका शायद रिपोर्ट भी चेयरमैन ने दे दिया है, तो मैं अनुरोध करूँगा वित्त मंत्री जी से कि जल्दी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उसमें जो हमारे छोटे निवेश हैं, जो हमारे और जो लोग पर्सनल इनकम टैक्स वाले हैं, उसमें भी रियायत उससे मिलेगी. इससे निश्चित रूप से हमारा जो टैक्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फायदा हो. तो डिमांड साइड, सप्लाई साइड का तो होगी, डिमांड साइड सबसे बड़ी बात है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है, और भी खास करके रेलवेज हैं जिनके लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स होंगे, एयरपोर्ट्स है जहाँ काम चल रहा होगा, बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो रूरल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जितना ज़्यादा डाला जाएगा उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे लोगों के पास पैसे पहुँचेंगे, और जब पैसे पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से उसको खर्च करेंगे. और साथ ही एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आगे बजट जब आने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने लाया है, जो सब किसानों को जो 6000 रुपये दे रहे हैं, वित्त मंत्री जी एक बात ज़रूर बजट में रखिएगा, आगे हमारा सुझाव होगा कि इसमें हम किसान की जो परिभाषा दिए हैं उसमें वही किसान से सम्मिलित है जिसके नाम से ज़मीन है. जैसे अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में बहुत सारे प्रदेशों में और पूर्वी भारत में भी लोग शेयर क्रॉपर भी हैं, वो बटाई की खेती करते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है. तो इनका लाभ अगर उसको भी मिलेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास और पैसे आएंगे. और हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि इस प्रकार की हमारी इकोनॉमी हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं उनके पॉकेट में पैसे बचे, जिसे वो खर्च करें, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े और हम दुनिया के विकसित प्रदेशों में शामिल हो सकें. अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.